हेलो फ्रेंड, सत्य में जाते हैं। आइए कुछ सीटेट के हम क्वेश्चन देखते हैं जो जुलाई 2023 में पूछने वाली है। तो आइए देखते हैं। कहता है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आइए देखते हैं। कहता है इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में है। अब आपसे पूछेगा पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ पर है, तो पहले हम बोलेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये चार राज्य में क्या है, ये सटा हुआ है, मतलब पश्चिमी घाटी का विस्तार है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्या क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अब कहता है इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब पश्चिमी घाटी में क्या है, वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता कहने का मतलब यहाँ पे सभी वर्ग के पशु पक्षी से लेकर के और जितने भी जैव घटक है वो सारा पाए जाते हैं। अब कहता है इस घाट में यातायात एवं परिवहन को सुगम बनाने के लिए, यातायात एवं परिवहन मतलब आने जाने की सुविधा को सुगम बनाने के लिए, मतलब आसान बनाने के लिए कई स्थानों पर सुरंग का निर्माण किया गया है। अब इस क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा अधिक होता है तो यातायात करने में क्या होता है, दिक्कतें आती है, तो उसको सुगम बनाने के लिए मतलब आसान बनाने के लिए कई स्थानों पर सुरंग का निर्माण भी किया जाता है। सुरंग का निर्माण अंदर ही अंदर होता है। तो ये इतना क्वेश्चन पश्चिमी घाट से थे। तो पश्चिमी घाटी का विस्तार हम अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है जिसके कारण यातायात परिवहन में क्या होती है, दिक्कतें होती हैं। तो कई स्थानों पर सुरंग बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, ठीक है। ये था दो तीन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं नीलगिरी पर्वत, किससे क्वेश्चन आता है, नीलगिरी पर्वत। हम बोलेंगे इसका विस्तार केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में है। कहाँ कहाँ पे है, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत का विस्तार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। अब इस पर्वत पर ही पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन होता है। आपसे पूछेगा पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन कहाँ पर होता है, तो नीलगिरी पर्वत पर होता है। कहाँ पर होता है, नीलगिरी पर्वत पर होता है। इसी पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र भी स्थित है जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ऊटी पर्यटन केंद्र अगर आपसे पूछें तो कहाँ बात करेंगे, नीलगिरी पर्वत पे है जो तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत पर टोंडा जनजाति निवास करती है। अब नीलगिरी पर्वत पे कौन सा जनजाति निवास करती है, तो टोंडा जनजाति। टोंडा एक प्रकार का जनजाति होती है जो निवास करती है। टोंडा समुदाय में बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है। बहुपतित्व यानी कहने का मतलब होता है इस समुदाय में बहुपतित्व क्या होती है, परंपरायक होती है जो पाई जाती है, देखने को मिलती है। तो नीलगिरी पर्वत से आप इतना सारा क्वेश्चन याद रखेंगे। नीलगिरी पर्वत से फिर से एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ, जैसे कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में इसका विस्तार होता है, ठीक है। इस पर्वत मतलब इस पर्वत पर ही पूर्वी घाटी एवं पश्चिमी घाटी का मिलन होता है। इस पर्वत पर ऊँटी पर्यटन केंद्र स्थित है जो तमिलनाडु में है। अब है नीलगिरी पर्वत ही टोंडा जनजाति निवास करती है और टोंडा जनजाति जो समुदाय होती है उसे बहुपतित्व की परंपरा पाई जाती है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अब जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण पठार के बारे में। आपसे पूछा जाएगा इलायची पर्वत कहाँ पे है, तो हम बात करेंगे केरल में है। इलायची पर्वत कहाँ पर है, तो केरल में है। शिवराय पर्वत तमिलनाडु में, शिवराय पर्वत कहाँ है, तमिलनाडु में। जवादी पर्वत तमिलनाडु में ही है। पटकाईबूम मणिपुर में है। पटकाईबूम कहाँ पे है, मणिपुर में है। गारो खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। गारो खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। मसाई पर्वत असम में है। मसाई पर्वत कहाँ है, असम में है। अनामलाई पर्वत केरल एवं तमिलनाडु में है। अनामलाई पर्वत केरल एवं तमिलनाडु में है। मसाई पर्वत असम में है। गारो खासी जनजाति पर्वत मेघालय में होता है। पटकाईबूम मणिपुर में है। जवादी पर्वत तमिलनाडु में है। शिवराय पर्वत तमिलनाडु में ही है। इलायची पर्वत केरल में है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलिए आज का कोटेशन जानते हैं। कहता है अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु मिल जाए तो जीत हमेशा पक्की होती है। यानी कि आप जीत जब तक नहीं पाएंगे, जब तक आपको एक अच्छा सा गुरु नहीं मिल जाए तब तक आपकी जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर अच्छे से गुरु मिल जाए तो विशेष तैयारी करवाते हैं और आपको जीत पक्की करवाते हैं। चलिए, थैंक यू।